हेलो गाइस, दिस इज़ भरत। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो भी सारे टॉपिक्स हैं मैंने क्या किया है, उन सारे टॉपिक्स में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। जैसे स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे भी जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है उनमें जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर स्टेट लेवल के ऊपर जो भी असिस्टेंट इंजीनियर की सीधी भर्तियाँ वगैरह निकलती है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद में ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स हो गए, गेट हो गया, ओके, PSU वगैरह में या और सिविल सर्विसेज में जो भी ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें लोग सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कर लेते हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके, मतलब टॉपिक के हिसाब से, उनके अलावा छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर में इनसे बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, कन्वेंशनल क्वेश्चंस की अलग बात होती है। तो मैंने क्या किया, सारे टॉपिक्स के लिए सारे टॉपिक्स को ऐसे थ्योरी के फॉर्म में इकट्ठा करके रख दिया उनको कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने जो नोट्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, उसमें मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, एक बार वापस से आपको सिलेबस बता देता हूँ। इसमें जो भी हमारा सिलेबस रहेगा वो इस तरीके से सारा रहेगा उसमें, ठीक है। वाटर डिमांड, इट्स सोर्सेज एंड कन्वीनियंस, और जो सेकंड चैप्टर है वो क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें आप कंसेप्ट समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये भी कंसेप्चुअल है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें ज़्यादा मोस्टली दो चार तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ओके, किस तरीके का आपका ग्रिड होना चाहिए, किस तरीके से आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइप्स का कौन कौन सा मेथड होना चाहिए, डेड एंड हो गया, रिंग टाइप हो गया, रेडियल टाइप हो गया, इस तरीके से रटने की चीज़ें हैं, तो ये याद करने का टॉपिक है, ठीक है। ये सारी तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हो गई। फिर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में मतलब हमारा जो वेस्ट है उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसमें ये सारे टॉपिक्स आ गए। फिर इसके बाद में ओके 12 नंबर तक ये सारे टॉपिक्स है। वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक, बायोकेमिकल रिएक्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। 7 नंबर है डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। 8 है डिज़ाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अप्रेंटेंसेस, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर्स यूनिट नंबर 2 से, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में, एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन देगा आपको, उसमें टोटल हार्डनेस की वैल्यू दे देगा कुछ और एल्केलिनिटी की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आप बताओ। इसका एक मेथड होता है पूरा, लेकिन एक ट्रिक से हम इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो हमें क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मैं हम नोट्स पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी होगा, अगर नहीं बताया है तो मैं बता दूंगा आपको, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशन से हमें रिलेट करना पड़ता है उन चीज़ों को, फिर रिलेट करके फाइनली हमें बताना पड़ता है कि कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी है। लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रिक से हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में आपको टोटल हार्डनेस एंड एल्केलिनिटी वो देगा क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, कार्बोनेट हार्डनेस को ही टेम्पोररी हार्डनेस भी बोलते हैं हम, तो वो कुछ भी बोल सकता है कि टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस बताओ, या फिर कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बताओ, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं और कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्पोररी हार्डनेस भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ओके। और आप ये कैलकुलेट कैसे करोगे कि दोनों में से टोटल हार्डनेस और एल्केलिनिटी में से जो भी मिनिमम है उसको कार्बोनेट हार्डनेस रख देंगे और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस माइनस एल्केलिनिटी कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो जो वैल्यू आएगी वो ठीक है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर हमें इस वैल्यू को ज़ीरो लेना है। जैसे किस तरीके से पूछेगा, जैसे मान लो कि आपको टोटल हार्डनेस की वैल्यू 5 दे रखा है और एल्केलिनिटी की वैल्यू कितनी दे रखा है, 8 दे रखा है मान लो, ओके, और आपको बोले कि टोटल हार्डनेस वो कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आप बताओ, आप क्या करोगे, कार्बोनेट हार्डनेस के लिए दोनों में से जो मिनिमम है उसको ले लोगे, मतलब 5, कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो गया, 5 हो गया, ओके। अब फिर आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल हार्डनेस माइनस एल्केलिनिटी, टोटल हार्डनेस आपको 5 दे रखी है, टोटल एल्केलिनिटी आपको 8 दे रखी है, माइनस 8, ये कितनी वैल्यू आ गई, माइनस 3 आ गई, ओके। अब ये देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब ये माइनस में हमें नहीं लेना, हमें जीरो लेना है वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नेगेटिव आ जाए तो जीरो लेना है और अगर पॉजिटिव आ जाए तो जो है उतना ले लेंगे हम, कंसिडर कर लेंगे उसको,
ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि अगर टोटल हार्डनेस, इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन कि आपका टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशनशिप है इनमें। ओके तो इसमें क्या वो ऐसे बोलेगा कि आपकी टोटल हार्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो टोटल डिजोल्ड सॉलिड बढ़ेंगे इसमें। ओके ये बढ़ेगी तो ये कम होएगा, अगर ये बढ़ेगी तो पहले TDS बढ़ेगा फिर कम होगा, इस तरीके से कुछ कुछ ऑप्शंस देता है वो, ठीक है। तो आपको सीधा क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका TDS भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, ये होती स्पेसिफिक कंडक्टेंस, थोड़ा अगर इसके बारे में समझे, बाकी तो हम डिटेल से जब नोट्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैंने एक जगह इकट्ठे करके रख दिए हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मोस्टली मेजर जो 90-95% क्वेश्चंस तो इन्हीं से हो जाएंगे, थ्योरी पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी तो हम फिर जैसे कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं, मेन एग्जामिनेशन जो कन्वेंशनल टाइप के होते हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो इन्हीं से सारे, हम जो सीरीज चल रही है सीरीज चलाएंगे पूरी कंप्लीट टॉपिक की, क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी, जो आपने थंबनेल देखा भी होगा इसी में सब कुछ कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जो भी स्टेट लेवल पे लगती है, अलग अलग बोर्ड वगैरह लेते रहते हैं, वो सारे तो इन्हीं से कवर हो जाएंगे। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना और जो भी एग्जाम्स लगे उनमें मैच करके देख लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है और कुछ पूछेगा नहीं, सारे टॉपिक्स यही तो होते हैं। तो देखो ये इसी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कि जो भी हमारा वेस्ट होता है, पोल्यूटेड वाटर होता है, उस वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड फॉर्म में पोल्यूशन होता है वो मेजरली मोस्टली इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, ये सारे पार्टिकल आयोनाइज, मतलब जो पोल्यूटेड वाटर है इसमें मोस्टली इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रहेंगे। ओके टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड में, ओके जो डिसॉल्व्ड रहेंगे उसमें से ये सारे पार्टिकल्स आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये सारे पार्टिकल्स के लिए हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवा के देखते हैं इसके अंदर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतने ही ज़्यादा इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, क्योंकि सारे आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। और जितना ज़्यादा कम करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या है, उसमें आयोनाइजेशन ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल उतने ज़्यादा नहीं है, तो हमारे टोटल डिसॉल्व सॉलिड भी कम हो जाएगी। इस तरीके से रिलेट करके हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टोटल डिसॉल्व सॉलिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज ऑफ इन पोल्यूटेड वाटर मेजरली और मोस्टली पोल्यूशन इज आयोनाइज्ड फॉर्म एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस तरीके से पूछेगा, कभी कभी क्या करता है हमें एक्सेप्टेबल लिमिट पूछ लेता है कि हमारा जो वाटर है उसके अंदर हार्डनेस कितनी एक्सेप्टेबल है, मतलब कितनी तो होनी चाहिए और कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो अगर हम देखें तो 50 से 60 100 समथिंग जो भी करेक्टराइज ये है, मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट है वो है हार्डनेस इतनी, हार्डनेस आयरन मैगनीज फ्लोराइड क्लोराइड बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सारी चीज़ें तो याद होगी नहीं, होगी भी नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसमें 0.3 0.5, भूल जाते हैं बहुत सारी, याद करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, जो 10-15 है जो मोस्टली पूछी जाती है घूम फिरा करके, रिपीट होती रहती है चीज़ें, तो उन्हीं को हम पढ़ लेते हैं, मोस्टली वही पूछी जाती है। और फिर अगर और इनसे बाहर कुछ आ गई तो फिर उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ओके वो तो फिर आप अगर याद करो तो कर लेना, लेकिन मोस्टली 90% इन्हीं में से पूछी जाती है, 90-95% इन्हीं में से पूछी जाती है। इसलिए जो रिपीट होती रहती है उनको पहले आप याद करेंगे, बाकी जो कम रिपीट होती है, कम इफेक्टिव है, उनको बाद में याद करेंगे, ओके। तो देखो सबसे पहले पूछता है हार्डनेस के लिए, हार्डनेस की जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी तो 200 से लेकर के 600 मिलीग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल लिमिट होती है इसकी, ओके 200 तो एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, और ये तो 600 है ना, ये होती है कॉज फॉर रिजेक्शन, मतलब कुछ भी हो जाए वाटर के अंदर 600 से ज़्यादा हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, ये है कॉज फॉर रिजेक्शन, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कभी नहीं होनी चाहिए और नॉर्मली 200 होनी चाहिए। फ्लोराइड की बात करें तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि आपके जो हमारा पानी होता है उस वाटर में 1 मिलीग्राम पर लीटर की का फ्लोराइड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फ्लोराइड नहीं होगा तो हमारी टीथ होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए जो उसमें जो इसके ऊपर परत चढ़ी हुई होती है उसका नाम तो मैं भूल गया, क्या है, मेलानिन, इस तरीके से कुछ नाम है उसका, ओके मेलानिन इस तरीके से नाम है उस परत का, जो चमकीला जो वाइटिश ये होता है ना लेयर होती है इसके ऊपर टीथ के ऊपर,
जो हमारा वाइट टीथ दिखता है, चमक होती है ना, ये उसी के कारण होती है। ओके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको मजबूत बनाने के लिए वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम पर लीटर, अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू 1.5 से ज़्यादा चली गई तो हमारे क्या होता है, टीथ में मॉडलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कभी भी 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 5 से ज़्यादा हो गया, किसी कारण से 5 से ज़्यादा हो गया, तो फिर हमारे जो बोन्स हैं उनको ब्रेक करना स्टार्ट कर देती हैं। बोन्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उससे कोई भी अगर हमारा हाथ पकड़ के ज़ोर से बीचेगा तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। इसलिए कभी भी 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा फ्लोराइड पानी में नहीं होना चाहिए। 1.5 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1.5 पे आते आते तो हमारी टीथ में मॉडलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 1 मिलीग्राम पर लीटर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे टीथ मजबूत नहीं बनेंगे। ठीक है, केविटी वेविटी होने स्टार्ट हो जाएगी। तो केविटी से प्रिवेंशन के लिए 1 मिलीग्राम, अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड होना बहुत ही ज़रूरी है। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर इतना हम एक्सेप्ट करते हैं। मैग्नीज की बात करें तो 0.1 to 0.3। और अगर नाइट्रेट की बात करें, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NO3-, ओके, वो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह डिजीज़ होने स्टार्ट हो जाती है। ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर एनवायरनमेंट से इनमें क्वेश्चन आता है, एक्सेप्टेबल लिमिट से क्वेश्चन आता है, तो मोस्टली 99% यही पूछते हैं नाइट्रेट का, कि कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये अगर 45 से ज़्यादा हो गई तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है इससे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या है कि बड़े जो यंग होते हैं उनमें तो ये कोई प्रॉब्लम करता नहीं है, लेकिन जो चाइल्ड होते हैं, मतलब जो बेबी होते हैं, उनके ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। NO3-, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जैसा ये अगर जो अनस्टेबल पानी है, मतलब नाइट्रेट की मात्रा उसमें, नाइट्रेट की जो वैल्यू है उसमें कम है, नाइट्रेट की वैल्यू ज़्यादा हो गई पानी के अंदर, मतलब 45 से ज़्यादा हो गई, और वो कैसा पानी है जिसमें NO3- है, मतलब ऑक्सीजन डीऑक्सीडाइज्ड वाटर है ये, मतलब अनस्टेबल वाटर है, इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, बेबी के बॉडी में जाएगा पानी, और वहाँ से जाकर के क्या करेगा, ये जो वीन्स होती है, ब्लड होता है, इसमें से ऑक्सीजन को खींच लेता है, इसके कारण उनकी डिजीज हो जाती है। लेकिन जो यंग एज के होते हैं उनमें ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। बेबी वगैरह जो चाइल्ड होते हैं, टीनेजर होते हैं, जो ओके बच्चे होते हैं, जो 10-12 साल से छोटे, उन्हीं में ये रोग होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने की है, इसमें पूछ लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में, जो इम्पोर्टेंट। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कभी भी हार्म नहीं करता है अपने को। अगर मान लो वाटर में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है तो वो हमें कभी भी कोई भी डिजीज़ फॉर्म नहीं करेगा, मतलब हमारे अंदर। तो ये इसके बारे में 2-3 बातें हैं, वो ध्यान रखना आप। हार्मलेस होता है ये, ठीक है, और इसकी लाइफ ज़्यादा होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। अब बात आती है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया डिजीज़ फॉर्म करे वही सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, और जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डिजीज़ नहीं करे वो सारे बैक्टीरिया कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, और जो डिजीज़ फॉर्म करे वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो ये हार्मलेस होते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। अभी एक बात बताऊंगा इनके बारे में, ध्यान रखना लॉन्ग लाइफ और लेस लाइफ का क्या चक्कर है। दूसरी बात, जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटस होते हैं, मतलब इनमें एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, एरोबिक याद रखो आप, तो सिर्फ ये लैक्टोज फर्मेंटेशन छोड़ो, सिर्फ एरोबिक ध्यान रखो कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया में एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। दूसरा, रोड शेप्ड बेसिलस, मतलब जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वो रोड शेप्ड, मतलब इस तरीके से रोड के इस तरीके थोड़े से घूमे हुए, इस तरीके से रोड जैसे दिखते हैं वो, इसलिए रोड शेप्ड बेसिलस कहते हैं। दूसरा, ग्राम नेगेटिव टेस्ट, ये क्या होता है, ग्राम नेगेटिव टेस्ट, ग्राम पॉजिटिव टेस्ट, इस तरीके से टेस्ट होता है। जब हम जनरल साइंस पढ़ेंगे, नॉन टेक का पोर्शन है लेकिन पढ़ेंगे उसको, जब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा ग्राम नेगेटिव टेस्ट ये क्या होता है। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर कुछ केमिकल डालते हैं, उस केमिकल के कारण बैक्टीरिया के ऊपर कलर फॉर्म होता है, कलर चढ़ जाता है उनके ऊपर। तो वो कलर एक तो पिंक होता है, पिंक कलर हो जाते हैं, तो अलग होता है, मैं भूल गया, अभी ध्यान नहीं है मेरे को, पिंक, और दूसरा होता है पर्पल। ओके, इनमें से किसी भी पर्पल चढ़ जाता है तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, इनमें से एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम नेगेटिव होता है, वो मैं भूल गया, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो कि ग्राम नेगेटिव टेस्ट, ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव जो टेस्ट होते हैं वो कलर फॉर्म करने के लिए होते हैं, कि अगर उसके ऊपर ऐसा कलर फॉर्म हो गया, पिंक कलर फॉर्म हो गया, तो ग्राम पॉजिटिव
टेस्ट हो गया, ग्राम नेगेटिव टेस्ट हो गया, इस तरीके से। तो जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव टेस्ट होता है, बस इतना ध्यान रखो आप। बात डिटेल तो मैंने ऐसे बता दिया आपको, ठीक है। बाकी जनरल साइंस पढ़ेंगे हम तो वहाँ पर बताऊँगा, बायोलॉजी में आता है ये, लास्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव टेस्ट हो गया। तो चार बातें आपको कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के लिए ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है। हार्मलेस होता है, ओके, लाइफ लॉन्ग होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया के मुकाबले, एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटेशन होता है, रोड शेप्ड के होते हैं और ग्राम नेगेटिव टेस्ट देते हैं ये, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो हार्मफुल होते हैं ये, हमें हार्म पहुँचाते हैं। अब लॉन्ग लाइफ लेस लाइफ का मतलब क्या है कि जब भी हम वाटर के अंदर ये देखते हैं कि उसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को देख लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मोर लायबल होता है पानी में रहने के लिए, मतलब हर तरीके की कंडीशन में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया रह जाता है, लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मर जाता है ना किसी भी कारण से, ये अच्छी लाइफ जी लेता है, इसलिए लिख रखा है लॉन्ग लाइफ। तो जैसे ये पानी है, इस पानी में हम सीधा क्या टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है या नहीं है। अगर इसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है, इसका मतलब 100% इसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर इसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है तो इसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मतलब ये देखते रहो आप, ठीक है। अभी आपको याद नहीं होगा कि कोलिफॉर्म पैथोजेनिक में चक्कर पड़ सकता है, इसलिए आप देखो कि हम कोई भी वाटर होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं उसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया चेक करते हैं। अगर इसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो भी सकता है और पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कोई पानी है उसके अंदर हमने चेक किया कि इसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है या नहीं है, तो है उसका तो हमने केस देख लिया ये रहा। लेकिन अगर इसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया नहीं है मान लो, तो 100% है कि इसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की लाइफ ज़्यादा होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। तो जिसकी लाइफ ज़्यादा है अगर वही नहीं है, तो ये पी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया उसकी क्या औकात कि वो इसके अंदर रह जाए। इसलिए हम ये टेस्ट करते हैं कि एक बार वापस से सुनो कि अगर हमने पानी में हमने बैक्टीरिया टेस्ट करने के लिए देखा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कोलिफॉर्म बैक्टीरिया चेक करते हैं। अगर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में नहीं है तो 100% पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर पानी के अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये इसका कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। बाकी हम जब डिटेल से नोट्स पढ़ेंगे तो और डिटेल से हम देखेंगे, आपको कंफर्टेबल फील होगा वहाँ पर। अभी के लिए जो पॉइंट याद रखना था वो मैंने दो पॉइंट से आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की साइड चलते हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस, एल्केलिनिटी एंड कलर एंड टेस्ट प्रॉब्लम, ये किस किस के कारण होती है, मतलब कौन सा इसमें कौन सा केमिकल या फिर कौन सी चीज़ आ जाती है, ये सारी चीज़ें आपको भी रटनी है, ठीक है। इनमें कोई समझने की चीज़ नहीं है, हम नोट्स पढ़ेंगे जब भी मैं आपको रटवाऊंगा ही, क्योंकि ये रटना ही है कि कौन से, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आती है तो आती है, ये चीज़ें रटनी है। समझाते भी होंगे कोई, लेकिन मेरे को तो समझ आता नहीं है, सीधा रटनी है, इसका कोई ज़्यादा समझ के कोई यूज़ आता भी नहीं है, ओके। तो याद करनी है आपको, चार चीज़ें याद करनी है, मोस्टली पूछते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। किसके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है, किसके कारण टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है, एल्केलिनिटी किसके कारण होती है, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। परमानेंट हार्डनेस, इसी को हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। तो देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड अगर प्रेजेंट है वाटर में तो परमानेंट हार्डनेस होगी, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो टेम्पोरेरी हार्डनेस होगी, ठीक है। अगर सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो एल्केलिनिटी होगी उसके अंदर, ठीक है। देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है तो टेम्पोरेरी हार्डनेस होगी, और अगर सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो एल्केलिनिटी होगी, ठीक है। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड है तो परमानेंट हार्डनेस होगी, ये रटनी है, आप कैसे भी रटो, ठीक है। कलर और टेस्ट प्रॉब्लम के लिए बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, आयरन और मैग्नीज के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्रेजेंट होंगे पानी में, तो वो कलर फॉर्म कर देंगे या कुछ ऑर्डर अलग अजीब सा टेस्ट देंगे, वो पानी आप पियोगे टेस्ट करोगे तो अजीब सा टेस्ट आएगा। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा एक बात और पूछते हैं, आपको चार पांच ऑप्शन दे देगा या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है कि कौन सा टेस्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं या फिर कौन सा टेस्ट कौन से मेथड से करते हैं हम,
ठीक है। इंस्ट्रूमेंट भी पूछ लेता है, इंस्ट्रूमेंट आगे बताऊंगा आपको। देखो अगर पूछे कि हार्डनेस हम कौन से मेथड से फाउंड निकालते हैं, तो आप बोलोगे EDTA मेथड, और इसके अंदर जो हम टाइट्रेशन के लिए जो यूज़ करते हैं केमिकल वो होता है EBT इरीक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। EBT इंडिकेटर हम इसमें यूज़ करते हैं। डिजोल्ड ऑक्सीजन की बात करें तो विंकलर मेथड से यूज़ करते हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन विंकलर मेथड से कैलकुलेट करते हैं। देखो डिजोल्ड ऑक्सीजन हम क्यों निकालते हैं और हार्डनेस तो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्डनेस आपके पानी में होगी तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा सोप का, सोप ज़्यादा खर्च होगा, साबुन जो कपड़े हम धोते हैं वो साबुन ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए हम हार्डनेस निकालते हैं। दूसरी बात, और टेस्ट भी अजीब सा देने लग जाता है हार्डनेस ज़्यादा होती है तो। डिजोल्ड ऑक्सीजन हम क्यों निकालते हैं, विंकलर मेथड से निकालते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है विंकलर मेथड से डिजोल्ड ऑक्सीजन निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो डिजोल्ड ऑक्सीजन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है पानी में। अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन कम हो गई, मान लो अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन पानी में कम हो गई, तो ये हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। एक्वेटिक लाइफ का मतलब क्या है, फिशेज वगैरह के लिए। अगर पानी में फिश वगैरह है और बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है, मतलब एक्वेटिक जो भी लाइफ है जो पानी में रहते हैं उनको पूर्ण रूप से पर्याप्त रूप से मतलब सफिशियंट उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। तो डिजोल्ड ऑक्सीजन कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वाटर में डिजोल्ड ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई एवरेज से, तो वो क्या करती है आपके पाइप में कोरोजन स्टार्ट कर देती है, मतलब पाइप को अंदर से ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। तो डिजोल्ड ऑक्सीजन का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम विंकलर मेथड से डिजोल्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हम ऑर्थोटोडोलाइन, ठीक है, ऑर्थोटोडोलाइन मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं क्लोरीन को। और क्लोराइड की बात करें तो मोर मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन और क्लोराइड में कन्फर्म रहना, मतलब क्लियर रहना, क्लोरीन तो ऑर्थोडोलाइन से और क्लोराइड मोर से करते हैं, ठीक है। ये चारों मेथड आपको ध्यान होना चाहिए, हार्डनेस, डिजोल्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड क्लोराइड। सेवंथ की अगर हम बात करें तो ये है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक तरीका का एनिमल होता है ये भी, ठीक है, एनिमल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है मतलब एक तरीके से, ठीक है। दूसरा होता है बैक्टीरिया भी आप जानते हो और वायरस तो आप जानते हो। तो ऐसे पूछता है कि इनके कारण कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के कारण डिसेंट्री जिसको हिंदी में बोलते हैं पैचिस, अब ये सीधे आपको डिजीज़ के नाम याद रखने हैं, डिटेल में नहीं है जाना है आपको। प्रोटोजोआ के कारण डिजीज़ होता है, कौन सा डिजीज़ होता है, डिसेंट्री। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, प्रोटोजोआ के कारण डिसेंट्री डिजीज़ होती है, पैचिस जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है एंड वायरस के कारण पोलियो होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया और इस वायरस की में कन्फ्यूज़ करता है वो हमेशा, आपको क्या करेगा इसके साथ पोलियो दे देगा, इसके साथ वायरस दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड फीवर होता है, फीवर वाला जो चीज़ होता है टाइफाइड जो चीज़ है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, और वायरस के कारण पोलियो मेलिटिस, आगे कुछ भी देगा वो मेलिटिस मेलिटिस करके, पोलियो पोलियो आप ध्यान रखना, ठीक है। वायरस के कारण पोलियो होता है, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, कुछ अजीब तरीके से पूछ लेता है कि एंटेरिक फीवर बोल देगा वो, टाइफाइड की जगह क्या, टाइफाइड फीवर की जगह क्या बोल देगा, एंटेरिक फीवर या फिर टाइफाइड फीवर, दोनों में से कुछ भी बोल दे बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। फीवर आपको ध्यान रखना है, फीवर फीवर जहाँ पर आ जाए बैक्टीरिया आएगा वहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्रोटोजोआ आता है ना, ये प्रोटोजोआ, इसको अलग नाम से भी कुछ अलग नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, प्रोटोजोआ कोई। ये मोस्टली पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं कितने की याद रखेंगे, लेकिन जो पूछ लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो तो आपको याद रखना है, उसको वो रिपीट कर सकते हैं कहीं भी छोटे मोटे एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ को हम क्या, प्रोटोजोआ को एंटामोइबा हिस्टोलेटा भी बोल देते हैं, जिसके कारण पेचिस वगैरह, डिसेंट्री तो है, और अमोइबिक और अमोइबियासिस, ठीक है। ये डॉक्टर की बात है, आपने क्या पता, लेकिन आपको ध्यान रखनी है ये, ठीक है। मेरे से तो बुलाक भी नहीं आती अच्छे तरीके से, ये तो ध्यान रखना है आपको, लेकिन मोस्टली तो आपको यही ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ ध्यान रखना है और डिसेंट्री ध्यान रखना है, बैक्टीरिया एंड फीवर, वायरस एंड पोलियो, ठीक है, मोस्टली ये ध्यान रखना है। अगर ये आपको ठीक से याद हो जाए तो 8th नंबर वाला पॉइंट भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट साइड चले हम अगर, तो 9th नंबर की बात करते हैं, पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब। आपको क्वेश्चन में से पूछेगा तो व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर, तो पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, अभी मैंने आपको बताया हार्मफुल होते हैं और इनकी लाइफ लेस होती है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के मुकाबले, ठीक है। तो ये पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब है यही कि एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक, अगर आपके पानी के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया नहीं है इसका मतलब वो पोर्टेबल है वाटर पीने वगैरह के लिए,
ठीक है। इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डिटेक्टेड बाय एमएफ टेक्निक, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक से हम इसको पता करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।